आपण माने हिटलर को तो जानिथिबे विश्वर अन्यतम क्रूर तथा एकछत्रवाद शासक भाव जनाशुना हिटलर जने भारतीय खिलाड़ींकर थिले जबरा फ्यान एते बड़ फ्यान जे जेकोनोसी उपाय रे अथवा जेकोनोसी मूल्य विनिमय रे से सही खिलाड़ींकु निज देश को नै जीवाकु चाहुथिले। हिटलर तांक देश रे से भारतीय खिलाड़ींकु सेना रे एक बड़ पदवी देवा सह सबु किछि देवाकु राजी थिले किंतु ताहा सफल हुए नाही और भारतीय खिलाड़ी जनक हिटलर से प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करती। हिटलर फ्यान थिबा से भारतीय खिलाड़ी जनक थिले खेल जगतर म्याजिसियान बा विशिष्ट जादूगर आ विश्व हॉकी दुनिया रा बेताज बादशाह जेपर्यंत से चाहू नथिले तांको स्टिक रु बॉल हटु नथिला लागुथला सते जेमिति बॉल टी तांको स्टिक सह लाखी रहिछ। ओलंपिक्स रे भारत को गोल्ड मेडल आनी देबारे तांकर थिला प्रमुख भूमिका। हॉकी रे सबुठारु अधिक गोल करिवार रेकर्ड आज भी तांकर ना रे अछि। एमित्रे तो कहा जाए जे रेकर्ड हुए भांगिबा पई किंतु तांकर रेकर्ड जे निकट भविष्य रे केबे भांगिबो ताहा अकल्पनीय बा कल्पनार बाहर। 1926 रु 1949 मध्य रे से मोट 185 मैच खेली 570 गोल करिवारे समर्थ होइथिले जहाँ को आज पर्यंत विश्वर कौनसी हॉकी खिलाड़ी काटी पारि नाहंती। खास एथिपाई तांको जन्मदिवस को जातीय खेल दिवस भाव पालन करा जाय आसुछे। हॉकी कथा उठिले समस्तक मन को आसे केवल गोटे ना से हेउछंती मेजर ध्यानचंद। आसंतु जानिबा हॉकी दुनियार जादूगर तथा बादशाह भाव परिचित मेजर ध्यानचंद विषय। नमस्कार मपूर्व आपण देखुछंती निरपेक्ष। हॉकीर बेताज बादशाह कहा जाउथवा मेजर ध्यानचंद आज हेउछि जन्मदिन। से 29 अगस्त 1905 रे उत्तर प्रदेश प्रयागराज स्थित एक राजपूत परिवार जन्म हुए। जदि भी तांको हॉकी दुनिया रा बादशाह कहा जाए हेले पिला बेलु हॉकी प्रति तांकर सेतेटा आकर्षण नथिला। से चाहुथिले कुश्ती रे ना कमाइबाकु। धीरे धीरे कुश्ती रे भल प्रदर्शन मध्य से करंती मात्र बयस बढ़िबा संगकु तांकर पसंद भी बदले आउ से धीरे धीरे हॉकी प्रति आकर्षित हुए। तेब यहाँ पचरे आउ एक प्रमुख कारण भी रही है। तांकर पिता समेश्वर सिंह सेतेबेले जने भल हॉकी खेलाड़ी भावे ना कमाइथिले। बापांकर हॉकी खेल देखि ध्यानचंद हॉकी प्रति आकर्षित होइथिबा कथा तांको बायोग्राफी जना पड़े। मात्र 16 वर्ष बयस मेजर ध्यानचंद दिल्लीर एक ब्राह्मण रेजिमेंट रे जोग देइथिले। सेनारे सामिल हेबा परे से हॉकी प्रति अधिक आकर्षित हेबा सह भल प्रदर्शन करिबाकु लागथि। बास ता परठु से आउ पछकु फेरि चाहि नथिले पढ़ी आगकु आगकु आहुरी आगकु। ध्यानचंद विषय में एपरी किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छे जहाँ आप जानले भी आश्चर्य होते। ध्यानचंद असली ना थिला ध्यान सिंह जेहेतु से रातिर दीर्घ समय धरी प्राक्टिस करुले जह्न आलुअ तले तेणु जह्नर हिंदी ना चांद अनुसार साथी खेलाड़ी माने ना रखी ध्यानचंद। ध्यानचंद पर पिता छड़ा सान भाई हॉकी खेलुले। सान भाई रूप सिंह मध्य जने ओलंपियन एवं भारत पाई दुई भाई मिसी गोल्ड मेडल जिनी एपरिक 1932 ओलंपिक्स रे दुई भाई मिसी 25 गोल देते। से ओलंपिक्स रे भारत सर्वमोट 35 गोल कर दुई भाई योगदान 25 गोल। यहाँ दुई भाई हॉकी दुनिया में हॉकी ट्विन्स भाव परिचित होते। तांको हॉकी स्टिक रे से बॉल को एते समय धरी कंट्रोल कर रखुथिबारु प्रतिपक्ष नेदरलैंड टीम चाहिथिला तांको हॉकी बाड़ीर परीक्षा करिबा पाई। नेदरलैंड टीम संदेह करुथिला जे बोधहुए ध्यानचंद निज बाड़ी रे गुप्त भावरे चुंबक लगैछन्ते। सेही समय रे एहा बेस चर्चित विषय मध्य होइथिला। एपरिकि क्रिकेटर डन भावे परिचित डन ब्राडमैन भी थिले ध्यानचंद फ्यान। 1935 मसीह ऑस्ट्रेलिया रा एडिलेड ठार अनुष्ठित एक मैच देखिबा परे ध्यानचंद का प्रशंसा रे मुखर होइथिले ब्राडमैन एवं प्रशंसा रे कहिथिले जे ध्यानचंद हॉकी रे क्रिकेट रे रन करला भली गोल करुछन्ते जहाँ कि बेस आश्चर्यजनक। ध्यानचंद हॉकी खेल स्टाइल देखिबा को देश विदेश रु छुटुथिला लोकंकर सुआ। 1936 बर्लिन रे आयोजित ओलंपिक्स खेल रे से भारतीय हॉकी टीम रो प्रतिनिधित्व करुथिले। एही ओलंपिक्स रे भारत सहित जर्मानी रो मुहामुही हुए जेउंथरे तांकर हिटलर सहित देखा साक्षात हुए।
हिटलर ताकु सेनारे एक बड़ पदवी देवा कहती हेले हिटलर प्रस्ताव को खुल्लम खुल्ला मना कर दिखती ध्यानचांद से कहती मु भारत रे जन्म हो भारत रे नमक खाई तेणु आपण प्रस्ताव को मु सम्मान देउछी सत मात्र एहाकु ग्रहण करिबा मो पक्षे संभवपर नुहे जे पर्यंत मो देहरे जीवन अछि जे पर्यंत मो हाथ रे हॉकी स्टिक अछि से पर्यंत मु केवल भारत पाहि प्रतिनिधित्व करिबे। हिटलरक ना सुनिले आज भी जेकोसी लोकर मन में एक भय सृष्टि हुए हेले ध्यानचांद तांको प्रस्ताव ग्रहण करिबाकु खुलाखुली मना कर देथिले जहाँ को नहीं परवर्ती समय रे अनेक चर्चा मध्य होइथिला। हिटलर को ना शब्द शुणा को घृणा लगुला बेले कथा को कही भी काटती हेले ध्यानचांद थिले प्रथम व्यक्ति जिकि हिटलर प्रस्ताव को ना कहिबा सह ग्रहण करने को खुलाखुली मना कर देथिले जोथिपाई से गणमाध्यम शिरोनामा पलटि लोक माने एबे भी हॉकी खेल सह ध्यानचांद देश प्रति भक्ति बहादुरी एवं दृढ़ संकल्प पर मन रखते एठार आम आपन को कही रखा चाहूँ जे ध्यानचांद को दीर्घ वर्ष हे भारत रत्न सम्मान दि जाऊ बोली दाबी करा जे आसुथिले भी ए संपर्क में भारत सरकार एजावत कौन सी निष्पत्ति नहीं नथिबा जना पड़िछे। अपरपक्षे खेल जीवन जेतिके रोमांच भरा थिला जीवन अंतिम दिन गुड़िक दुखपूर्ण दीर्घ वर्ष धरी से लिभर कैंसर से पीड़ित थिबा बेले शेषे 3 डिसेंबर 1979 खेल जगत को अलविदा कहती ध्यानचांद आ जीवन यात्रा रे जवनिका पड़े। ध्यानचांद का मृत्यु एत वर्ष पर भी हॉकी कथा पड़े ध्यानचांद कथा मन पड़ा हॉकी रे से अर्जन करथिबा असुमारे सफलतार प्रमाण। भारत सरकार हॉकी रो एक किंवदंती को सम्मान देवा को जाई तांको नारे एक डाक टिकेट प्रचलन करिछन्ते तांको व्यतीत कौनसी हॉकी खिलाड़ी को आज पर्यंत एही सम्मान मिली नाही किंतु आज भी अनेक क्रीड़ा प्रेमी अफसोस एवं क्षोभर सह प्रश्न करती जे हॉकी पई एत सब करवा सत्वे कौन पई ध्यानचांद को भारत सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान भारत रत्न मिली नाही जहाँकि एकदम सठिक प्रश्न बोली आमे मध्य विचार करू। ए रिपोर्ट को लिखिंट अनिरुद्ध कैमेरा अच्छा समीर एवं एडिटिंग करिछन्ती मिताली। एभली इनफॉर्मेटिव वीडियो देखिबापई आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ आउ शेयर मध्य करूँ। नमस्कार।